सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दे। इन्होंने बड़ा भैड़ा वाक्य किया, सानू तरीक तरीक के अंदर खड़िया, सिर्फ अंदर ला गए सानू तरीक के। ये तुहाडा निशान जिहड़ा दिस रहा वे यूनस ने मारिया, कॉन्स्टेबल यूनस है, हम आज ही उहनां नाल इंसाफ किया जाए। मैं इतों गुजर रही सू अंदर ही लै गए ने, उन्होंने ना कि भाई महल्ले च शोर ना मचे से जो मर्जी वे करिए वड़ के इन्होंने मारिया, लेकिन मैं अकेली औरत सा, मैं कुछ नहीं कर सकी कोई। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुगल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट के इलाका तहसील समड़ियाल में, जिसके एक छोटा सा गांव है जाड़ियाँ वाला, जहां पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। पुलिस की सरेआम गुंडागर्दी, जो कि अहले हाना पे तशद्दुद किया गया, इस घर पे तशद्दुद किया गया, औरतों तक को भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके पीछे क्या वजूहत है, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो रास्ता है, ये घर जो है एक रास्ते में आ रहा है, 16 फीट का सरकारी रास्ता है, जहाँ पे जो है वो जज साहब ने जी ऑर्डर दिए हैं कि जी ये जो है ना रास्ता साफ़ करवाया जाए, तो ये रास्ता साफ़ करें। अहले हाना भी एग्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दें कि हम लोगों ने यहाँ तक रास्ता जाता है, यहाँ पे दीवार जो है वो हम बना लें, फिर आप ये तोड़ दीजिएगा। और इसी बात पे जो है उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि हमें 3 दिन का टाइम दे दें। पुलिस वाले साथ थे, पुलिस वालों ने इतना का तशद्दुद किया हमारे साथ, तो माँ जी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिनके जो है वो अपना खामद पे, जिनके बेटों पे तशद्दुद किया गया, आइए उनसे जानते हैं कि क्या वाकया हुआ, क्यों तशद्दुद किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। इन्होंने बड़ा भैड़ा वाक्य किया, सानू मारिया कुटिया बड़ा, सानू तरीक तरीक के अंदर खड़िया, सिर्फ इन्ना उन्होंने आख्या कि तुम सानू 3 दिन का टाइम दो तो असी आपे खुद बना लें, तो तुसी फिक्र ना करो। उन्हें आख्या नहीं, ताले तोड़न लग पे ने, सानू मारन लग पे ने। कौन मारन लग पे, पुलिस वाले के जो दूसरे पुलिस वाले मारन लग पे, कमेटी वाले ने तो कोई नहीं किया, कमेटी वाले ने कोई नहीं गल की, पुलिस वाले आए ने अंदर अंदर लै गए ने सानू तरीक के खड़ के, सानू उत्थे मारना, मेरे तू दोवां बेटियां नू मारिया, मेरे आदमी नू मारिया, मैनू भी मारिया ने बड़ा सारा। हाँ जी, ए तुहाडा निशान जिहड़ा दिस रहा वे, ए तुहानू पुलिस वाले ने मारिया? हाँ जी, पुलिस वाले ने मारिया जी। नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सकता है कि ये निशान इनकी माँ जी की आंखों पे है, काफ़ी तशद्दुद किया गया है इन पे, इनका जो है वो नील तक पड़ा हुआ है, ये देखे ये सारा निशान है, ये तशद्दुद का निशान है। और नाज़रीन, इनके जो बेटे हैं और खामंद, वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, सिर्फ उनका कसूर ये है कि उन्होंने टाइम मांगा कि हमें 3 दिन का टाइम दे दें। केस तो काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से, 2019 से चल रहा है, और ठीक है कर रहे हैं, करने दें, लेकिन वो दीवार तो मार रही है ना, दीवार लगा के तो फिर ये तोड़ने देंगे ना, ये हाल ही तोड़ के चले जाएंगे, ये दीवार दरवाज़ा तक तोड़ दिया हुआ है। और पुलिस का इस तरह का तशद्दुद, हमारे मुहाफिज़ हैं वो, अगर हमारे पे कोई उज़र आता है, हमारे पे कोई हमें कोई तंग करता है, हमने इनके पास जाना है अपनी अर्ज़ ले के, अगर ये हमारे मुहाफिज़ हैं, इन्होंने हमारा डिफेंड करना है, और यही अगर हमें नुकसान पहुंचाने लग पड़े तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसको अपनी अर्ज़ सुनाएंगे। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि हम लोग जो है वो इनके पास जाते हैं कि सर हमारा ये मामला, प्लीज़ ज़रा इसको क्लियर कर दें, तो इनका काम है क्लियर करना। इसी मुल्क के रिहायशी हैं, पाकिस्तान है, और अगर हमारे मुहाफिज इस तरह तशद्दुद किया जाए। और माँ जी, मैंने एक चीज़ दसीओ कि मैंने पता चलिया कि उन्होंने गाली गलोच भी काफ़ी की, बड़ी गाली की, वो जड़ा ना निठाने दार दो, की ना सी ओदा ना, की ना सी यूनस, यूनस, यूनस ने ना बड़ा सारा गाला कटिया ने, बड़ी यूनस ने मारिया वे, यूनस ने मारिया, कांस्टेबल यूनस है उन्हें मारिया, उन्हें गाली गलोच बड़ी ज्यादा की थी इतने आ गए। ठीक है, आई जी पंजाब तुहाडे अगे अपील है, गुजारिश है, इस मसले का हल किया जाए, यह जिहड़ा गरीबां दे नाल जां माड़िया बंदियां नाल तुसी तुहाडे अगो करदे ने जुलम करदे ने, ठीक है, महकमे वाले उहनां दे उत्ते एक्शन लवो, इस मुल्क दे शहरी ने, इन्हां दी मुहाफजत तुसी, इन्हां दी मदद तुसी करनी, ठीक है, अल्लाह तो बाद मदद तुसी करनी इन्हां दी, ठीक है। बाकी DPO साहब तुहाडे अगे भी गुजारिश है, हम आज ही होरां नाल इंसाफ किया जाए, इन्हां नाल जुलम होया ते जुलम एक दिन मिट जाना इंशाल्लाह, अगर तुसी एक्शन लोगे
असी सानू खुशी होएगी कि वाकई साढ़े नाल जिहड़े वादे किए गए ने पंजाब पुलिस की तरफों आई जी पंजाब की तरफों या वजीरे वाला पंजाब की तरफों वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी की जाए इन्हे तो इन्होंने इंसाफ किया जाए जी। नाज़रीन ये थे जो है उनके मोहल्लेदार थे और उनके साथ में रिलेटिव हैं शायद, तो उन्होंने कहा है कि जी इस तरह जुल्म हुआ है, तो वज़ीर आला साहिबा आपसे भी गुजारिश है कि माशाल्लाह से आप काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रही हैं कि आपने रमज़ान में काफ़ी सारा राशन तकसीम किया लोगों के घरों में और बहुत अच्छे काम आपने किए, तो लिहाजा इन गरीबों की भी सुनी जाए। ये गरीब तबका है, अगर गरीब तबका पिसता चला जाएगा तो कानून तो सिर्फ अमीर का हुआ ना, गरीब का तो कोई, गरीब के लिए तो कोई कानून नहीं। जब चाह उसे जलील करके तो उसे जो है वो मार पीट के उसको थाने दे के उस पर पर्चा दे दी, FIR दे दी, ये कौन सा निज़ाम है। वज़ीर आला साहिबा गुजारिश है कि जो है इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी नाज़रीन हमारे साथ कुछ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो मैंने कहा जी आप अगर कैमरे के सामने मौक़िफ़ दे सकती हैं तो इनका कुछ भला हो जाए आपके लिए, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहन मेरी मुझे मैनू यह दसियो कि मामला तुसी वेख्या अपनी अखां दे नाल, तुसी मैनूं ऑफ कैमरा दस्या ही कि मैं इस चीज़ वेखी अपनी अखां दे नाल। जी मैं इत्थों गुजर रही सां ते वह अचानक ही आए ने, गड्डियां खड़िया हो गई ने, अचानक आए ने, दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया ते लेकिन नहीं कोई भी, फिर वह मेरे इन्हां दे छोटे दोवे अम्मा होरां दे बेटे निकले ने, उन्होंने फिर गलबात की, उन्हें आख्या भी ठीक है असं अपना समान इधर उधर कर लेने, वो समान इधर उधर कर लग पे ने, तो इन्हों के वाल साहब आए ने, वाल साहब कचहरियों आए ने, तरीक तो आए ने, तो उन्होंने आख्या कि भाई जरा ना असं हटाने लगे हाँ, उन्हें आख्या तुम साना 3 दिन का टाइम दवो, उन्होंने नहीं कोई भी इन्हों की बजुर्गों की सुनी कोई भी, उन्हें रोज़ा रखा सी लेकिन वह के 80 साल उन्हों की उम्र है, रोज़ा रखा बीमार हालत हैं, ये इन्होंने इस तरह किया थानेदार साहब और फटोफट उन्होंने हत्थी पै गए, उन्होंने मारन लग पे ने, इन्नी देर तो उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने बेटिया ने आवाज़ सुनी अंदरों अंदरों बाहर। अच्छा, दसियो कि उन्होंने बाहर मारिया कि अंदर घर ले जाके मारे, अंदर उन्होंने फिर जो वेख्या ना साढ़े वाल साहब बाहर उन्होंने मारन डे ने, फिर उन्होंने इंज किया फिर अंदर ही फटोफट उन्होंने अंदर ही लै गए ने, उन्होंने ना कि भाई महल्ले च शोर ना मचे सी जो मर्जी वे करिए, वो अंदर लै गए, अंदर जाके फिर अंदर बीबियां सन बच्चे हैं वो चीका मारन लगे, शोर पान लग पे ने, वो फिर अंदर टोर गए ने, अंदर जाके फिर उन्होंने ए बजुर्ग माँ ने साड़ी इन्हों, फिर उन्होंने एक थानेदार ने उन्होंने फिर थप्पड़ मारिया या मुक्का मारिया, ये मैं गौर ना नहीं वेख्या लेकिन मारिया थानेदार ने मारिया, मैं खुद वेखन डई हाँ, लेकिन मैं इतों गुजर रही सर, मैं आख्या भाई इस तरह का हादसा तो पहली दफ़ा वेख्या, लेकिन ठीक है हुकूमत है, हुकूमत ने एक रस्ता बनाया है, वह हुकूमत ने रस्ता उन्हें दे छड़िया लेकिन तरीके घर ने बह के गल करते, इस तरह तो मैं पहली बार देखे कि इस तरह जुलम आन के करते हैं, थानेदार उठ के जुलम करते हैं, जिन्ना को असी अपनी अपील लैके जाने कि साढ़े माड़े बंद का सा सहारा, लेकिन वह सहारा कर देने आन के गरीबा बंद आके जुलम करते हैं। अच्छा मैं दसो कि सब कुछ अपनी अखा ना देखे। हाँ खुद मैं आप ही खुद मैं वेखन वाली, मैं खुद गवाह वा, मैं खुद वेख्या कि यह जुलम पे करते हैं, हूँ कह रहे हैं असी थाने गया, मैं बकायदा नाल गई थाने, दोवें मुंडे जेरे हिरासत ने, हाँ वो फिर इन्हों फड़ के लै गए ने, वो फिर गड्डी ते बिठा के एक कैसर नाम का लड़का है, फिर उन्होंने गड्डी ते बिठा के पिछू इस कदर उन्होंने थप्पड़ मारी जान डे ने उस मुंडे नू, ते वो जिहड़ा छोटा भाई उहदा उहनू वी इहना बड़ा मारिया है। ठीक है, अम्मा जी होरां ने वो जिहड़ी एक लेडीज़ भी सी धक्के मार लग पई पिछू कि चलो माँ जी चलो, फिर इन्होंने इस तरह करके इन्हों काफ़ी इन्हों अंदर अंदर ग्राउंड काफ़ी इन्हों मारिया घर के वड़ के इन्होंने मारिया, लेकिन मैं अकेली औरत सा मैं कुछ नहीं कर सकी कोई भी। जी नाज़रीन ये थे मोहल्लेदार जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह तशद्दुद किया गया पुलिस वालों की जानिब से, और नाज़रीन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि ठीक है रास्ता तो है ठीक है, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ आए थे कि जी कोई ऐसा जो है इन पर तशद्दुद ना किया जाए कमेटी वालों पे, म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन वालों पर कि जो इसको घिराने आए थे, तो उन पर तो नहीं तशद्दुद हुआ, उनको तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा घर वालों पर तशद्दुद किया और इतना जुल्म किया कि एक माँ जी जिनकी उम्र 70-75 साल है तकरीबन, तो उनकी आंख पे इतना काफ़ी निशान है, वो बेचारी रो रही थी, तरले कर रही थी कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, तो उनके जो बेटों के साथ जिस माँ के सामने उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं उनको हिरासत में, उन पर FIR तक दे दी। ये निज़ाम सिर्फ जो है, मैं दोबारा कहना चाहूँगी, निज़ाम जो है ये कानून जो है सिर्फ जो है अमीर के लिए है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं। खुदारा पाकिस्तान को जो है वो
अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, पाक हमेशा जिंदाबाद रखे। लेकिन हमारे कानून को लेके अगर ऐसी खबरें आती रहीं तो इस पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ा है जी। मेरे साथ मौजूद हैं एक मोहल्लेदार और जिनका साथ गिराने इनका मकान आए थे, लेकिन इनका क्या नुकसान हुआ है आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई जान दस्सियो कि यह मकान तो इन्हों का गिरान आया ना 16 फीट रस्ता करने, तो तुहाडा की नुकसान किया उन्होंने? साडा नुकसान किया सर, साडा मीटर तुम देख सकते हो नाल वार्डा वाले सन, ठीक है मेरा मीटर जल गया, ठीक है साडा कसूर भी कोई नहीं कि साडियां सारियां तारां वगैरह मीटर दियां पिछों मेन तो भी कट गए ने, मीटर नू जला गए ने। तुसी आप देख सकते हो खुद, अगर मैं झूठ बोल रहा तुसी अपना कैमरा मार के तुसी अपना देख सकते हो कि मीटर भी मेरा जल गया। अच्छा मैंने असी इस मैंने एक मीटर विखा रहे सो जी जी, ते ए मीटर है दिखाओ सर, ये मेरे छोटे भाई का मीटर है। अच्छा ये नाजिन ये देखिएगा, ये मीटर इस घर का नहीं जो घर गिराने आए थे, ये साथ वाले घरों के मीटर है कि वो उनका क्या कसूर है कि उनके मीटर भी जो है उनको भी रमज़ान है कि वो उनकी सहरी अफ्तारी कर रही है और जो है वो इस तरह का काम हो रहा है समझ से बाहर है। घर में खवातीन है वो वजू से परेशान है, अब अफ्तारी का वक्त है, अब पानी पीने से परेशान है, पानी कहाँ से पिए। ये छोटा सा गांव है, गरीब तबके लोग इधर रहते हैं सर, हमने अपनी मदद के तहत खुद यहाँ पे ना लकड़ियाँ लगा के अपनी तारों को क्लोज किया है, ठीक है अब ये देख सकते हैं आप मेरा मीटर भी जला के चले गए हैं। 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं तो 15000-20000 रुपया आप कहाँ से लेके हैं, कहाँ से मीटर लगवाएंगे? तो मेरे सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज़ से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस बात का नोटिस लिया जाए और हम लोगों को ये रिलीफ दिया जाए जो हमारा नुकसान ये लोग करके गए हैं। आप लोगों से हमें बहुत उम्मीदें हैं जी। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि इनको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कितनी उम्मीदें, ये गरीब तबका लगा के बैठा हुआ है कि कब इनकी किस्मत संवरेगी। और नाज़रीन एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये मस्जिद की जगह है, ये मस्जिद की जगह है, अल्लाह के घर की जगह है और यहाँ पर एक मंशियात फरोश है आमर हुसैन के नाम से जो कि इस मस्जिद पर भी स्टे ले आया है, इस मस्जिद पे भी स्टे, अल्लाह के घर पे स्टे ले आएगा जी, इसमें मेरी जगह है। और नाज़रीन अभी हमारी आवाम जो है वो जो मंशियात फरोश है वो जो जिस मस्जिद पे स्टे ले आया उसका फिर गांव जी। इसके साथ ही सलमान मुगल को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हामिद व नासिर।